हम सबको मालूम है कि 22 तारीख को खोर शीराबाद इलाके में, पटन के इस इलाके में, एक जे एंड के बैंक ब्रांच को जो है कुछ नामालूम बंदूक बंदारों ने लूट लिया था, और वहाँ पे उनकी कोशिश थी कि वो और ज़्यादा इसमें जो है कैश वहाँ से लूट कर सकें, बट वहाँ पे जो बैंक ऑफिशल्स थी उनकी होशियारी और प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से वो जो डैमेज है वो मिनिमाइज हुआ। हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन थी और जो क्लूज़ हमको वहाँ से बरामद हुए थे उसकी बिना पे हमने वहाँ पे जो इनकी गाड़ी वगैरह जो बरामद हुई उसकी छानबीन शुरू की, और वहाँ से उनका चेसिस नंबर, इंजन नंबर वगैरह निकाल के, क्योंकि इस पे नंबर प्लेट्स जो है वो उन्होंने हटा दिए थे, वो डिटेल हमने ली, और उसके बाद हमने फर्दर इसमें तफ्तीश शुरू की। इसी ट्रेल पे चलते हुए हमने कुछ सस्पेक्टेड एरियाज़ और ह्यूमन और टेक्निकल इंट की बेसिस पे हमने सर्चेज शुरू की। सर्चेज काफ़ी देर तक चलीं और हमारे पास कुछ और क्लूज़ भी आए थे, और उनको देखते हुए हमने जो है काफ़ी और लीड्स और क्लूज़ इसमें हासिल किए। इन्हीं लीड्स के चलते चलते जो है हमें कल सुबह वहाँ पे जो एक गाड़ी हाईजैक हुई थी जो उन्होंने वहाँ से फ़रार होने में इस्तेमाल की थी वो रिकवर हुई, और साथ साथ वहाँ से जो 12 बोल राइफ़ल भी स्नैच की गई थी वो भी रिकवर हुई। सर्च जो चल रही थी उसका एरिया जो है वो इनलार्ज करना पड़ा, उसको इनलार्ज किया गया, और इनलार्ज करते ही उसमें हमारे पास जो है पीपीई किट्स जो डिस्कार्ड किए गए थे वो एक जगह से हमारे पास बरामद हुए। इन क्लूज़ के चलते ही हमने फिर अपनी जो एनालिसिस है, जो एनालिटिकल टीम है, वो उस पर बिठाई, और जो कांस्टेंट हमारी सर्चेस चल रही थी और कांस्टेंट हमारा एंडेवर चल रहा था उसके नतीजे में हमको 23 और 24 यानी कल रात की दरमियानी रात में जो है हमारे पास कुछ क्लू सामने आए, जिसकी बिना पे हमने रेड्स किए, कई जगह सर्चेस की, और तीन लोग हमने जो हैं इसमें गिरफ्तार कर दिए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इसमें सबसे अव्वल तो जो लोग थे वहाँ पे शेरखुराबाद के, उनका रोल बड़ा जो है एक बहुत अच्छा रहा, उन्होंने इन लोगों को रोकने की भी कोशिश की, जबकि ये लोग आर्म्ड भी थे, कुछ वहाँ पे फायरिंग भी हुई थी, उसके बावजूद लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा बहादुरी का मुजाहरा किया और इनको रोकने की कोशिश की और इनके ऊपर पत्थर भी मारे, जिस वजह से हमें क्लूज़ लेने में भी आसानी हुई। तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली बात थी। और इसके अलावा जो हमने पहले तसव्वुर किया था कि इसमें एक लूट का एक जो है सिलसिला चला आ रहा था, और साथ में ये उसमें एक कड़ी थी, और हमें ये लग रहा था कि लूट का ये एक मॉड्यूल है, लेकिन इसमें जो तफ्तीश में अभी तक हमारे पास सामने आया है ये काफ़ी एक सीरियस टर्न ले चुका है। इसमें हमारे पास इन लोगों की मुलविस ये पाए गए हैं जो पिछले महीने अर्लियर दिस मंथ जो एक सिविलियन मारा गया था बड़गाम इलाके में, वो काम भी इन्होंने ही अंजाम दिया था, और इनसे जो वेपन रिकवर हुआ है उससे अभी तक ये तस्दीक हो चुकी है। वहाँ पर जो नसीर अहमद ख़ान वल्द गुलाम मोहम्मद ख़ान बुचीपुरा मागाम में जो 11/4 को एक सिविलियन मारा गया था वो कारनामा भी इन्हीं का है। इसके अलावा ग्रामीण बैंक उगमुना कुंजर 12 मार्च को, ग्रामीण बैंक पंजीनारा 16 मार्च को, जे एंड के बैंक चांदीपुरा 24 मार्च को, और जे एंड के बैंक खुर्शीदाबाद 22 अप्रैल को। उससे पहले इन्होंने पेट्रोल पम्प एक बड़गाम में 18 फरवरी को वो भी लूटा, और वहाँ से भी इसमें इन्होंने जो है वहाँ से कैश रकम में बरामद हुए। जो इनका मॉड्यूल है, और जब हमने जो इनसे पिस्टल वगैरह वेपन्स रिकवर हुए हैं और जो इनसे एम्युनिशन रिकवर हुआ है उसकी डिटेल हमने ली, और जो डिस्क्लोजर सामने आया वो ये आया कि ये लश्कर ए तोयबा का एक मॉड्यूल था जहाँ पर इन्होंने एक जो है डिजिग्नेटेड टेररिस्ट है लश्कर ए तोयबा का यूसुफ डार, जिसको इस कंट्रो के नाम से भी जानता है, और अबरार नदीम, इन दोनों के बेहस्ट पे इन्होंने ये सारे काम किए थे, और इनको ये बताया गया था कि
ये कार्रवाई करने पे इनको तंजीम में पूरी तरह शामिल किया जाएगा। तो इस हिसाब से ये एक स्लीपर सेल था जो ऑपरेट कर रहा था। इसमें कुछ लिंक्स हमें बाकी दीगर अजला के भी मिले हैं जिन पे अभी कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर मैं आपको ये बताऊँ कि इनलिस्टेड हमारे पास क्या क्या रिकवरीज हुई हैं, तो इसमें हमारे पास एक चाइनीज़ पिस्टल, 2 मैगजीन, 25 राउंड, 2 12 बोल राइफल, इन 12 बोल राइफल के कुछ कार्ट्रिजेस, एक जो पाउच पहनते हैं जिसमें एमिनेशन वगैरह रखा जाता है वो, 2 अदद मल्टीपर्पज़ नाइफ एक मिली है, पीपी किट्स जो बरामद हुए, इसके अलावा व्हीकल्स जिसमें ये भागे थे जो उन्होंने बाकी अर्लियर कामों में भी अंजाम दिया है वो, और एक वेपन टाई चेन। जो अरेस्टेड पर्सन हैं इनका नाम है निसार अहमद भट्ट, वलद गुलाम मोहम्मद भट्ट, छान मोहल्ला सिंहपुरा, राहिल अहमद परे, बशीर अहमद परे, कनिहामा मागाम, और मोहम्मद आरिफ मीर, गुलाम मोहम्मद मीर, माजामा मागाम। सर अभी ये चोर हम मिलिटेंट मॉड्यूल था जो हमने पहले ही कहा कि जो पहले हम तस्वर कर रहे थे कि ये किए लुटेरे हैं बैंक के, लेकिन जो इनके सामने सरकत एक बहुत घिनौनी सामने आई है कि इन्होंने उस बात की ये जो है एडमिशन की है कि इन्होंने उस सिविलियन को वहाँ पर बूचीपुरा में मारा था। तो उसके अलावा इनके जो लिंक्स हैं वो क्लियरली लश्कर तैयबा से हैं, तो वो चीज़ सामने आते ही इसको हम ये क्लियरली साबित हो गया कि ये एक मिलिटेंट मॉड्यूल था, एक स्लीपर मॉड्यूल था जो इस एरिया में एक्टिव था। सर कितने केसेस? तकरीबन 6 केसेस अभी तक जो हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी आप बोलेंगे तकरीबन 6 केसेस जो हैं अभी तक सॉल्व हुए हैं, और रिकवरी इसमें अभी तक इन्होंने 24,500 रुपये कैश भी हमें इसमें बरामद हुआ है। बाकी कैश इन्होंने कुछ छोटे छोटे लश्कर के मॉड्यूल, कहीं TRF के नाम से, कहीं किसी नाम से ये चलाने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए एक फाइनेंसिंग का भी एक मॉड्यूल जो इसमें लिंक है वो सामने आ रहा है, और इसकी फर्दर तफ्तीश के साथ आपको डिटेल्स दे दी जाएंगी। ये मॉड्यूल सर खाली अजला का भी नाम आ रहा है। मैं इतना कहूँगा कि नॉर्थ कश्मीर तक ही महदूद नहीं था, इसके अलावा भी कहीं जगह पर ये इसके जो फुटप्रिंट्स हैं वो दिख रहे हैं, बट इस वक्त पर स्टेज पर उसके बारे में बात करना सही नहीं रहेगा।